तो देखिए बेहद अहम यह दौरा है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, उसके बाद वहां भव्य रोड शो होने वाला है। पूरी तैयारी हो गई है, अयोध्या को सजाया गया है फूलों से, प्रधानमंत्री आगमन को लेकर सजाया गया। देखिए कैसे कैसे पूरा अयोध्या सजा हुआ है, प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली बार है प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचेंगे और आज यहां मेगा भव्य रोड शो होगा। हर एक गली चौराहे को अयोध्या को खूब सजाया गया है। देखिए कैसे भव्य तैयारी है, जय श्री राम भी लिखा हुआ है और फूलों से बहुत सुंदर खूबसूरत तरीके से इसे सजाकर रखा गया है। तैयारी हो गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, वहां साधु संत भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे। देखिए कैसे कटआउट लगा हुआ है, झंडे कैसे पूरा अयोध्या में सड़कों पर पटे हैं, प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे हैं जगह जगह। ये लता चौराहा देखिए, लता मंगेशकर चौराहा, यहां भी पूरी तैयारी है और सजाने की तैयारी। देखिए घरों के ऊपर झंडे लगे हैं बीजेपी के, यानी प्रधानमंत्री का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं और इसके बाद अब इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का। बड़ी खबर क्या अगली ये बताएंगे आपको गायत्री। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपने देखी, जो तमाम तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की पूरी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं और जनसभाओं के साथ साथ रोड शो भी कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जहां रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एक भव्य रोड शो। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जय श्री राम 400 वाला परिणाम, अवध मिशन हैट्रिक विजन, सुपर संडे अयोध्या में रोड शो। बिल्कुल जीतेंगे 400 पार। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार का कारवां अब उत्तर प्रदेश में। तीसरे चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज का कारवां काफी अहम है, क्योंकि पीएम का पड़ाव अवध का दौरा है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है, ऐसे में बीजेपी के पक्ष में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी से 80 सीट को आधार बना टारगेट 400 पार का है, ऐसे में यूपी के कानपुर में पार्टी के लिए माहौल बनाने के बाद मोदी का आज अयोध्या दौरा है। शताब्दियों के बाद अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य सबके सामने है, जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसका 500 सालों से हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। मोदी जी के लिए सजावट हो रही है, यहाँ पर मोदी जी आएंगे और इसीलिए सजावट हो रही है। उनके आने के लिए हम लोग फूल सजावट कर रहे हैं और स्वागत स्वागत के लिए, और 11 नंबर गेट से ही जाएंगे मंदिर। अच्छा, राम मंदिर से? हाँ, इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। आज मोदी का दौरा भले ही चुनावी है, लेकिन लोगों में गजब का उत्साह है। एयरपोर्ट से अयोध्या तक के हाईवे की बैरिकेडिंग की गई है। करीब 80 पॉइंट पर जनता और साधु संत पीएम का स्वागत करेंगे। रामनगरी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे, इसके लिए बकायदा रथ तैयार हो चुका है, जो लखनऊ से अयोध्या पहुंच गया है। सुपर संडे में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की बात करें तो पीएम 2:45 बजे इटावा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 5 बजे धौरहरा जाएंगे, यहां पर भी जनता के बीच होंगे। शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। वक्त चुनावी है और पीएम मोदी अपने मिशन 400 पार पर हैं, तो गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नियत पर जनता को भरोसा है, सब कुछ 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अनामिका सिंह काली हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। अनामिका, पहले ही जो रामलला की धरती अयोध्या, वो पहले ही राममय हो चुकी थी और आज प्रधानमंत्री आने वाले, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या तैयारियां हैं और क्या अयोध्या बीजेपी में हो रही है, मोदी में हो रही है?
और देखिए बीजेपी तो यही चाहती कि पूरा प्रदेश राममय हो जाए, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में भी मिले। और शायद यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी जब पहली बार अयोध्या जा रहे हैं तो ये मौका चुनावी है। हालांकि इस मौके पर भी पीएम मोदी भगवान राम के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन आज जो बातें होंगी, आज जो रोड शो का मकसद होगा, दरअसल वो ये होगा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो फायदा है या फिर एक तरीके से जो एजेंडा है बीजेपी के हिंदुत्व का, इसको धार दी जाए। और आज के रोड शो के जरिए पीएम मोदी न सिर्फ अयोध्या में बल्कि जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो अयोध्या के बगल में आजमगढ़ हो, चाहे वो इसके अलावा गाजीपुर हो, बलरामपुर हो, इसके अलावा गोंडा हो, बस्ती हो, श्रावस्ती हो, इन जगहों पर भी पीएम के रोड शो का असर पड़े और जो कम से कम माहौल है वो चुनावी हो सके, भगवामय हो सके। और शायद यही वजह कि आज शाम को पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। आज शाम को पीएम मोदी के पहुंचने से पहले चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो मंदिर के प्रांगण के कार्यकर्ता हो, लोग हो, चाहे मंदिर के ट्रस्ट हो या फिर बाकी अन्य कार्यकर्ता हो, सभी उत्साह, क्योंकि जब पीएम मोदी पिछली बार आए थे तो मंदिर के निर्माण के वक्त आए थे, उद्घाटन के मौके पर आए थे। इस बार जब पीएम मोदी आ रहे हैं तो मंदिर को तैयार हुए 3-4 महीने हो चुके हैं। हर दिन लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के आज रोड शो को देखने के लिए भी देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात दरअसल यह कि पूरी अयोध्या राममय हो चली है। राम मंदिर के पुजारी ये कहते हैं दरअसल कि इस बार दरअसल पीएम मोदी के पास ये मौका है कि जिस तरीके से उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया अपनी देखरेख में, इस बार वो लोगों से वोटों की अपील करे और ये कहे कि जिन लोगों ने जो राम को लेकर के आए उनको अब लेकर के आने की बारी है, लिहाजा ये जो मौका है चुनावी है। और शायद यही वजह कि पीएम मोदी आज जब रोड शो करेंगे तो इसका असर न सिर्फ अयोध्या में बल्कि बहुत सारी अन्य सीटों पर भी दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत सारी सीटों पर दिखाई भी देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई देता है, और आज जब अयोध्या पहुंचेंगे तो श्रद्धालुओं का अभिवादन करने का भी मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। अनामिका, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच रोड शो को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर कितना उत्साह है लोगों में, आइए दिखाते हैं आपको। मेरा 87 साल का उम्र हो गया, लेकिन 87 साल के उम्र में कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया। आज भाग्य है अयोध्या की, राम जी आए तो प्रधानमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, सारी हस्तियां देश विदेश की हमारे अयोध्या में आ रही हैं। इसके लिए भगवान को धन्यवाद है, मोदी जी को धन्यवाद है। बहुत पूरी राममयी है, पूरी खुशी उत्साह मना हुआ है, पूरी गेट रामलला का सजा हुआ है, पूरी अयोध्या सजा हुआ है फूलों से, और जगह जगह पर उनके जो है आरती भी होगा, जगह जगह पर घड़ीघंट बजेंगे उनके स्वागत के लिए। पूरे 5 विधानसभा के, अयोध्या जिले के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता भी स्वागत करेंगे, संत महंत भी स्वागत करेंगे, राम भक्त लोग भी स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं, और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा, और साथ ही साथ शुभकामनाएँ, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे। और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो, और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। और अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, आज शाम में ये रोड शो होने वाला है, कहा यह जा रहा है कि तैयारियां भव्य कर ली गई, यार आज फिर जगमग होगा पूरा अयोध्या, क्या तैयारियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है? देखिए जो तैयारी है इस बार रोड शो करवाने की, दरअसल वो तैयारी ये है कि जो राम पथ देख रहे हैं आप, उस राम पथ से जो बिल्कुल सीधी रोड जा रही है, जिसको मेन रोड भी कहा जाता है, जहाँ से बिरला गेस्ट हाउस से लेकर के हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता, उस पूरे रास्ते पर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा स्केच है जहाँ पे पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं। बड़ी बात यह कि जब पीएम मोदी ने पिछली बार भी रोड शो किया था